Welcome back to our second tutorial regarding the sand technology. Last tutorial में हमने discuss किया था sand technology के बारे में, उसमें कौन सा component इस्तेमाल होता है, ऐसा कुछ basic चीज. आज हमने जो discuss करने के लिए जाएगा, first जो different components हम sand पे इस्तेमाल किया है उसके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कैसे बनता है. देखिए, जो पिक्चर इधर दिख रहा है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है. अभी ये कंपोनेंट को इंटरेक्ट करने के लिए दो तरीका इस्तेमाल होता है, एक है पोर्ट नेम और दूसरा है पोर्ट एड्रेस. ये जो पोर्ट नेम के बारे में बता रहा है इसको कहता है WWPN और वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम. This is a globally unique identifier for a port. And basically, इसमें एक प्रोटोकॉल काम करता है, जिस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके जो हमारा फैब्रिक कंपोनेंट्स है, जैसे कि हमारा राउटर, स्विच और जो केबल्स है, वो इस प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके ये जो WWPN इसको ढूंढ निकालता है और दूसरा एक पोर्ट के साथ कम्युनिकेट करता है. इसमें जो पोर्ट आईडी और पोर्ट एड्रेस भी इस्तेमाल होता है वो भी यूनिक है एंड वो भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में काम करता है. सो दिस इज द मोड ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन सेवरल फैब्रिक कंपोनेंट्स. राइट नाउ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मल्टी पाथ एंड पाथ फेलओवर. देखो, फैब्रिक कंपोनेंट पे क्या होता है, जो होस्ट बस एडाप्टर है उसी होस्ट बस एडाप्टर पे स्विच कनेक्ट होता है. देखो, जैसे कि पिक्चर में दिखाया है, पहले भी दिखाया था, और स्विच से कनेक्ट होगा हमारा जो स्टोरेज एरे है. अभी ये जो कनेक्शन स्टोरेज एरे के साथ एक सर्वर का और एक होस्ट का हो रहा है, ये एक्चुअली मल्टी पाथ को फॉलो करता है. जैसे कि इस पिक्चर पे तुमको क्लियरली दिखाई दे रहा है, सोचो ये जो HBA है ये इस स्विच से कनेक्ट हो रहा है और ये स्टोरेज एरे को एक्सेस कर रहा है. अभी एक सर्वर पे हमारा दो होस्ट बस एडाप्टर लगा हुआ है. सोचो ये जो होस्ट बस एडाप्टर है पहले वाला, ये किसी भी कारण से डिस्कनेक्ट हो चुका है, लेकिन ये डिस्कनेक्ट होने से बावजूद भी ये स्टोरेज एरे से डेटा को इस सर्वर एक्सेस कर पाएगा. कैसे एक्सेस कर पाएगा? देखो, ऐसे स्विच में जैसे कनेक्शंस लगा रहता है, ये जो दूसरा होस्ट बस एडाप्टर है ये हमारा दूसरा स्विच से कनेक्टेड रहेगा एंड ये जो दूसरा स्विच है दैट इज एन स्विच बी is connected to the this particular storage array. That means कोई भी एक सर्वर कोई भी एक स्टोरेज एरे पे सिर्फ सिंगल वे पे कनेक्ट नहीं होगा. रियल लाइफ पे ये कनेक्शंस करने के लिए हमारा डुअल और उससे भी ज्यादा पथ रहता है. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टी पाथिंग एंड पाथ फेलओवर. इसका मतलब जब भी तुम्हारा जो प्राइमरी कनेक्टिविटी है वो प्राइमरी कनेक्टिविटी में कोई खराबी आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो तब वो क्या करेगा, वो हमारा दूसरा जो पाथ है उसी पाथ से सर्वर स्टोरेज एरे से कम्युनिकेट करने के लिए जाएगा. अभी हम डिस्कस करेगा हाउ ए सैन वर्क्स. बेसिकली इसमें पांच स्टेप है. देखो, पहला जो स्टेप है, व्हेन ए होस्ट वांट टू एक्सेस अ स्टोरेज डिवाइस ऑन द सैन, इट सेंड्स आउट अ ब्लॉक बेस्ड एक्सेस रिक्वेस्ट फॉर द स्टोरेज डिवाइस. हमारा गोल्स क्या है? हमारा गोल्स है इधर जो होस्ट कंपोनेंट्स है, मतलब जो सर्वर, इसको ही तो होस्ट कंपोनेंट्स कहा जाता है. ये जो सर्वर है वो स्टोरेज एरे को जब उससे कुछ डेटा लेना चाहता है और उसी में कुछ डेटा
जमा करना चाहता है तो ये क्या करेगा, इट सेंड्स आउट अ ब्लॉक बेस्ड एक्सेस रिक्वेस्ट फॉर द स्टोरेज डिवाइस. देन SCSI कमांड्स आर एनकैप्सुलेटेड इनटू फैब्रिक कंपोनेंट्स पैकेट. देन एक एनकैप्सुलेटेड कमांड, ये जो फैब्रिक कंपोनेंट्स इधर दिखाया गया है इस लेयर पे, सेकेंड लेयर पे, तो उसमें जा रहा है. द रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड बाई द HBA फॉर द होस्ट. राइट नाउ वो तो ब्लॉक बेस्ड एक्सेस रिक्वेस्ट भेज दिया है. उसके बाद क्या है, उसके बाद दिस रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड बाय द होस्ट बस एडाप्टर फॉर द होस्ट एंड इज कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स बाइनरी डेटा फॉर्म टू द ऑप्टिकल फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑन द फाइबर ऑप्टिक केबल. तो अभी देखो स्टोरेज एरे पे क्या है, बाइनरी फॉर्म पे डेटा स्टोर हुआ है. तो इसमें जब फाइबर ऑप्टिक से वो कनेक्शंस वो डेटा जाएगा तो ये बाइनरी डेटा फाइबर ऑप्टिकल फॉर्म पे कन्वर्ट और ट्रांसमिट करना पड़ेगा. एट द सेम टाइम द रिक्वेस्ट इज पैकेज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द फैब्रिक कंपोनेंट्स प्रोटोकॉल. ये एक प्रोटोकॉल मान के चलता है. The HBA transmits the request to the SAN. And the last one is, depending on which port is used by the HBA to connect to the fabric, one of the SAN switch receives the request and send it to the storage processor, which send it to the storage device. अभी ये देखो जो multipathing है इसमें हमारा इस सर्वर से दोनों सैन स्विच पे कनेक्शन है. तो जो सैन स्विच प्राइमरीली एक्टिवेटेड रहेगा तो क्या होगा, होस्ट बस का जो रिक्वेस्ट वो सैन स्विच रिसीव करेगा. रिसीव करने का बाद फाइबर ऑप्टिक से हमारा स्टोरेज प्रोसेसर पे भेजेगा. ये स्टोरेज प्रोसेसर इज द कनेक्टिंग इंटरफेस of our storage device. So this is the working principles of SAN. Dekho, this is a picture of real life example. All of we access google.com from the different places of the world, and google.com has a large database. So here it is a logical representations that google.com has a server in a central location, and from each and every country have their own server also, and this server is connected to the SAN via the main server. This is the main storage area network on which Google actually stores its all data. So this is the real life example. तुमको इसका बारे में और क्लियर पिक्चर मिलेगा जब तुम्हारा सर्वर क्लाइंट का कंसेप्ट स्टार्ट होगा. अभी तो तुम हार्डवेयर पे है, जब सर्वर क्लाइंट का कंसेप्ट स्टार्ट होगा उसमें इसका और बेहतर पिक्चर मिलेगा इस कम्युनिकेशन. राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कम्स टू द एग्जामिनेशन. What is the advantages? The advantages is automatic backup. Obviously, इसमें automatic backup का मतलब क्या है? इसमें disk array, मतलब RAID implement कर रहा है. तो disk array है, tape backup unit है. तो जब data store हो रहा है, वो automatic backup ले लेता है. High data storage capacity, data storage करने के लिए कोई जगह का कमी नहीं है. Reduce cost of multiple server, क्योंकि हमारा storage ज्यादा करने के लिए सर्वर बनाने का कोई यूटिलिटी नहीं है. तो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मल्टीपल सर्वर. इंक्रीज परफॉर्मेंस, इसमें जो आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता है उसमें उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है. डेटा एक्सेस जल्दी मिलता है, डेटा रीड राइट टाइम भी जो ज्यादा जल्दी होता है.
डिक्रीज रिकवरी प्रॉब्लम, कहीं भी खराब भी हो जाए वो जो डेटा बैकअप जो ले रहा है तो उसमें रिकवरी का जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत कम है. नेक्स्ट क्या है, ऑब्वियसली दिस इज अ गुड वन, डेटा शेयरिंग. द लास्ट, इम्प्रूव बैकअप एंड रिकवरी. बैकअप करने के लिए अलग सा कोई प्रोसीड्यूर इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है. एंड द हाई परफॉर्मेंस. बट इतना सारी एडवांटेज छोड़ के भी कुछ डिसएडवांटेज है. डिसएडवांटेज बेसिकली जो दिखाया गया है वो टेक्निकल डिसएडवांटेज नहीं है. टेक्निकली ये तो बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन पे है, इसको इम्प्लीमेंट करना ही अच्छा होगा. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट जो है इट इज वेरी एक्सपेंसिव, हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. रिक्वायर हाई लेवल टेक्निकल पर्सन, मतलब हर कोई चाहे तो सैन को कन्फिगर नहीं कर पाएगा. इसके लिए जो हाई लेवल टेक्निकल पर्सन का जरूरत है. हार्ड टू मेंटेन, मतलब इसको संभालना भी मुश्किल का काम है. एंड नॉट अफोर्डेबल फॉर स्मॉल बिजनेस. सो दीज आर द डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज मेनली, द मेन डिसएडवांटेज इज द लास्ट वन, नॉट अफोर्डेबल फॉर द स्मॉल बिजनेस. इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बनाने पे जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, जो मेंटेनेंस कॉस्ट, वो बहुत ज्यादा लगता है. सो दिस इज द ऑल अबाउट सैन. एक बार फिर से हम दिखेगा तो हम क्या क्या इसमें सीखा है. लाइक पहले स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या है, ये हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्यों इस्तेमाल करेगा. स्टोरेज एरिया नेटवर्क पे कौन सा कंपोनेंट्स जुड़ा हुआ है. स्टोरेज एरिया नेटवर्क का जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर कैसे कम्युनिकेशंस हो रहा है. एंड द स्टोरेज एरिया नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, उसके साथ साथ इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. सो एग्जाम पे बहुत नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि एडवांटेज डिसएडवांटेज, जैसे कि यूटिलिटी ऑफ स्टोरेज एरिया नेटवर्क. एंड द मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज द डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ स्टोरेज एरिया नेटवर्क. सो दिस इज ऑल अबाउट द सैन. सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट ओवर देयर, यू मे कंसल्ट माय अपलोडेड नोट, और यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी एट माय फोन नंबर, दैट इज 9831611579. थैंक यू फॉर द डे.